सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप सबका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करता है, गेम खेलते हो तो बहुत ज़्यादा लैग करता है और फ़ोन आपका बहुत जल्दी जल्दी हीटिंग प्रॉब्लम हो जाता है, आपके फ़ोन के अंदर हीट बहुत जल्दी हो जाता है, फ़ोन को आप बस 5 से 6 मिनट यूज़ करते हो आपका फ़ोन हीट हो जाता है, तो आज ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर तीन ऐसा खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो तो आज के बाद आपके फोन में ये हीटिंग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम और गेम खेलने के वक्त जो लैगिंग प्रॉब्लम होता है वो कभी नहीं आएगा। दोस्तों इन सब का जानते हो प्रॉब्लम एक ही होता है, स्टोरेज। अगर आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ना आपका फोन हैंग करेगा और ना ही लैग करेगा, क्योंकि गाइस जब स्टोरेज फुल हो जाता है तभी आपका फोन हैंगिंग करना चालू कर देता है। तो कुल मिला के ये समझना है कि अगर आपके फोन का स्टोरेज प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो हैंगिंग प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा और लैग प्रॉब्लम भी और हीटिंग प्रॉब्लम तीनों खत्म हो जाएगा, बस स्टोरेज हो गया ठीक। तो इस वीडियो के अंदर बस स्टोरेज को ही ठीक करने को बताऊंगा, तो तीन जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप इस 3 ट्रिक को सीख के अपने फोन के इस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना है। चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा तो और भी नए वीडियो की जानकारी मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा और कमेंट के अंदर लिख देना यार नाइस वीडियो, या लिख सकते हो बेस्ट ट्रिक। तो बस इतना छोटा सा काम कर लेने के बाद अब चलिए सबसे पहला ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान से देखना गाइस, तीनों का तीनों ट्रिक यूजफुल होने वाला है। देख लीजिए, पहला ट्रिक कीजिएगा तो कुछ हद तक ठीक होगा, दूसरा ट्रिक कीजिएगा तो 80% तक ठीक होगा। अगर आप लास्ट वाला 3 नंबर का जैसे ट्रिक कर लेते हो तो आपका 100% ये सारे प्रॉब्लम आपके फोन से दूर हो जाने वाला है। तो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है वीडियो। तो चलिए पहला ट्रिक क्या है उसकी ओर चलते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में जैसे आओगे गाइस तो यहां पर क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से देखना। तीन ट्रिक बताने वाला हूं, तीनों को देख के जाना गाइस। थोड़ा नीचे की साइड आना है और यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा जो कि बैटरी एंड डिवाइस केयर के नाम से होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपने फोन में ऑप्टिमाइज का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो ऑप्टिमाइज कर दीजिए, क्योंकि ऑप्टिमाइज कर देने के बाद आपका जो है फालतू का काम, यहां पर देखिए बैकग्राउंड ऐप क्लोज जो बैकग्राउंड में चलता रहेगा उसको बंद कर देगा और वायरस जो होगा उसके प्रॉब्लम को भी ये ठीक कर देगा और यहां पर जो बैटरी का प्रॉब्लम होता है उसे भी ठीक करके यहां पर डन कर दीजिएगा, तो ये सारे हो जाएगा। तो ये ट्रिक नहीं है, ये बस बताया। तो यहां पर आपको मेन ट्रिक क्या है, यहां पर देखिए स्टोरेज मिल जाएगा फोन के अंदर, स्टोरेज पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहां पर मैं बताता हूँ, तो यहां पर देखिए आपका सारा फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, सारा यहां पर फाइल देख रहा है जो कि अपने फोन के अंदर यूज करते हो। तो इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे कि गाइस आप सबके फोन में आप जैसे कि सेल्फी लेते हो या फोटो क्लिक करते हो तो आप एक साथ एक ही फोटो को कई बार क्लिक कर लेते होंगे और क्या करते होंगे, जो आपको पसंद आता होगा उसको रखते होंगे और जो ना पसंद आता होगा उसको आप डिलीट कर देते होंगे। तो आपको लगता है कि गाइस आपने डिलीट कर दिया। एक उपाय तो ये है कि अगर आपके गैलरी के अंदर रहते हो तो एल्बम के अंदर आते हो और थोड़ा नीचे की साइड आते हो तो यहां पर आपको मिल जाता है एक डिलीट वाला ऑप्शन जो कि होता है, तो वहां से रिकवर आप कर लेते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है गाइस यहां से भी, कि आप जो भी डिलीट करते हो ना वो डिलीट नहीं होता है, वास्तव में आपको लगता है, इसीलिए तो आपका स्टोरेज फुल हो जाता है और आप सबको पता भी नहीं चलता है। तो बस यहां पर अगर आपने इमेज को डिलीट कर दिया है तो यहां से आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका इमेज वास्तव में डिलीट हुआ है या नहीं, और वीडियो को भी देख लेना है, क्योंकि यहां पर आप सब देख सकते हो कितने सारे स्टोरेज घर के रखे हैं। इमेज सिर्फ थे यहां पर 6 GB, वीडियो 32 GB। तो इस तरीके से यहां पर आपको चेक करके जो भी आपका फालतू का फोटो वीडियो उसे आप यहां से डिलीट कर दोगे तो यहां से आपका 40% स्टोरेज प्रॉब्लम है जो दूर हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जैसे ट्रिक कीजिएगा तो 80% आपका ठीक हो जाएगा, तो वो कैसे ध्यान से देखना। ये सेकेंड नंबर का भी ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है जो कि अपने फोन के अंदर आपको करना है। अगर ये करते हो तो करते स्टेप बाय स्टेप करते जाना है गाइस, क्योंकि तीनों मिला के आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। प्ले स्टोर के अंदर आ जाओगे तो आप भी समझो, आप ये सोच रहे होंगे यार मतलब स्टोरेज का प्ले स्टोर से क्या लेना देना, अभी पता चल जाएगा गाइस कि इसका क्या लेना देना है। यहां से आपको क्या करना है, यहां पर प्रोफाइल का फोटो दिखेगा, हर फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, या तो अगर आपका पुराना वाला प्ले स्टोर है तो इधर आपको 3 डॉट मिलेगा तो वहां मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहां पर मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेटवर्क प्रेफरेंस, आप देख लीजिए
इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा गाइस, तो यहाँ पर ध्यान से देखना करना क्या है, यहाँ पर मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप, ध्यान से देखना गाइस। यहाँ पर देखिए आपके फोन के अंदर बहुत सारे ऐप होते हैं जो कि यहाँ पर होता है गाइस। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका फोन का जो एप्लीकेशन है वो अपडेट लेते रहता है और आपका सीपीयू में बैकग्राउंड में फालतू का काम करते रहता है तो उससे आपका स्टोरेज प्रॉब्लम तो होता ही है और साथ साथ ही क्या होता है कि हैंगिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पर देखिए मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपका पहले दिया हुआ रहेगा ओवर एनी नेटवर्क में, लेकिन यहाँ पर क्या कर देना है डू नॉट और डोंट ऑटो अपडेट ऐप। ये जैसे करोगे तो क्या होगा गाइस कि आपके फोन का जो बैकग्राउंड में फालतू का लेके जो होता है हीटिंग का प्रॉब्लम जो आपका हो जाता है फोन, वो यहां से होता है गाइस। क्योंकि ये जब फालतू का अपडेट करता है बैकग्राउंड में फालतू का ऐप को अपडेट करते रहता है चलाते रहता है रैम में, तो काफी ज्यादा उस पर जोर पड़ता है, उस पर जब बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फोन हैंग तो करेगा ही और हीटिंग का भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये कर देते हो तो जो भी फालतू का ऐप अपडेट लेते रहता है काम करते रहता है बैकग्राउंड में, ये उसे बंद कर देगा तो फिर आपका काम बिल्कुल फोन है जो नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये भी सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि फोन के अंदर करना ही करना है। बाकी देख लिए, मान लीजिए ये दो सेटिंग करने के बाद भी आपका मान लीजिए है हैंगिंग हीटिंग का प्रॉब्लम, तो सिर्फ 80% ही ठीक होगा, 100% नहीं। लेकिन थर्ड में का ट्रिक ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जैसे कीजिएगा तो आपका ऑलमोस्ट 100% जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो कैसे, इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको अपने फोन में एक ऐप चाहिए होगा गाइस, तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा कुछ इस तरीके से होगा, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यस पर क्लिक कीजिए। लाइक कुछ इस तरीके से आपके फोन में ये एप्लीकेशन चलने लगेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो यहां से आपको क्लोज कर देना है, जो भी ऐड देगा तो यहां पर थोड़ा लोड लेगा, जो भी बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट एप्लीकेशन है यार। फिर इस तरीके से ये आपके फोन में ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए मेरे फोन में वहां पर ऑप्टिमाइज था, हो सकता है आपके फोन में ऑप्टिमाइज का ऑप्शन ना हो, तो यहां से आपको कर देना है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज जैसे करोगे तो ऑप्टिमाइज करके काफी ज्यादा आपके फोन को ये फास्ट में चलाएगा, मतलब जो आपका फोन जो बहुत ज्यादा स्लो चलता है वो उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो यहां से आप ये जैसे करोगे तो अभी नहीं हुआ गाइस, यहां से देखिए थोड़ा मैं ऐड को स्किप कर देता हूं, कर दिया। अब दूसरा क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, आपको इधर इधर साइड आना है और इधर की साइड आना है। आपका जो फोन जो हीटिंग होता है, मान लीजिए वो सेटिंग दो सेटिंग करने के बावजूद भी आपका फोन हीटिंग कर रहा है, तो ये उसका सॉल्यूशन कर देगा। जैसे देखिए मैं अपने फोन को भी यूज कर रहा हूं, कुछ ना कुछ मेरा फोन हीट हो चुका है, तो देखिए यहाँ पर आपका बता रहा है डिग्री भी कितना डिग्री है, तो बस यहाँ पर देखिए ओवर हीटेड है, रेड हो चुका है, तो मतलब ओवर हीटेड। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, कूल डाउन कर देना है। फिर ये देखिए आपका ये सीपीयू हुआ, सीपीयू में जो भी काम चलता रहेगा कूलिंग डाउन करके, जो भी बैकग्राउंड में चलता रहता है फालतू का एप्लीकेशन, ये उसको बंद करके बिल्कुल उसको आपके नॉर्मल फोन की तरह कर देगा। तो ऐड फिर से आएगा, कुछ फोन में आ जाता है, फिर देखना आपका फोन यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी दिखा रहा है। तो मतलब ये ट्रिक आप जैसे तीन अपने फोन के अंदर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर इसी तीन ट्रिक को एक्सप्लेन करना था, जो कि उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ ही घंटी के बटन पर दबा के ऑल पर सेट कर दीजिएगा, तो नए वीडियो की जानकारी मिलेगा सबसे पहले। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट के अंदर लिख देना है नाइस वीडियो या हैंगिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, लिख के फीडबैक दे सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।